हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लोकेट करना बता रहा हूँ रूट टू को नंबर लाइन पे। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, एक रूलर ले लो और उससे एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब इस पे हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट लगाएंगे, तो जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे मैंने लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर इसको जो है इसको मैं ओरिजिन मान रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वो इस पॉइंट पर। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें ये जो मैंने 1 इंच ले लिया, क्योंकि छोटा नंबर है इसलिए मैंने 1 इंच ले लिया, अगर बड़ा नंबर होगा तो आप सेंटीमीटर में लोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 और यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक, अब क्या करेंगे, जो हमारी 1 है ये यूनिट, इस पर हमें एक 90 डिग्री का जो मतलब परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर इसको रखूँगी और देखो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और यहाँ जो 90 लिख रखा है ना, इस पे मैं एक डॉट लगा दूँगा। ठीक है, डॉट लग गई। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से स्केल लेंगे और इसको 0.1 वाली जो डॉट है उसके साथ जॉइन कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हमने क्या बना दिया, परपेंडिकुलर बना दिया। अब क्या करेंगे, देखो ये जो 1 यूनिट है, मैंने यहाँ पर ये लिया है 1 इंच जो लिया ना, ये 1 यूनिट है इस पे, और ये जो हमने डॉट लगाई थी बिल्कुल एग्जैक्टली डॉट पे ही लेके हमें इसको जाना है यहाँ पर। ठीक है, एक बार फिर भी हम कंफर्म कर लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से इसको रख देंगे इसके ऊपर, देखो बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब क्या करूँगी, इस पे रखूँगी इसी पॉइंट पे, और यहाँ से मैं ऐसे एक आर्क लगा दूँगी। ठीक है, जो ये आर्क लगाए 1 उसका हो गया। अब क्या करना है, दूसरा काम आपको, देखो जहाँ पर ये आर्क इस लाइन को कट कर रही है वहाँ पर एक पॉइंट लगा दो, और यहाँ पर भी एक पॉइंट लगा हुआ है जो उस पे आप इसको ज्वाइन कर दोगे, इन दोनों लाइन को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। देखो ये कितना है, ये 1 यूनिट है, और ये वाला भी कितना, 1 यूनिट। तो अब देखो, जो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ कर दूँ तो क्या होते हैं, पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये भी 1 है, ये भी 1 है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 1 इसका स्क्वायर, और हमारा जो बेस है वो कितना है, वो भी 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और इस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा ये, लेकिन हमारा क्या है h स्क्वायर, पर हमें चाहिए क्या, h चाहिए है ना, हाइपोटेनस चाहिए। तो कितना हो जाएगा, ये रूट टू हो जाएगा जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर। तो अब जो देखो, यहाँ पर 1 यूनिट होगा, यहाँ पर 1 यूनिट हो गया, और ये वाला जो है ये कितना हो गया, रूट टू। पर हमें किस पे, इस पे शो करना है, इसे हमें शो करना है नंबर लाइन पे। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो हाइपोटेनस है इसकी लेंथ लेंगे हम ऐसे, यहाँ पे जहाँ पे कट करा है इस पे, और ये ले लिया ऐसे आपने, और यहाँ से फिर एक लाइन बना दोगे आप, ये आर्क बना दोगे ऐसे। ठीक है, ये जो पॉइंट आया इसको हम मान लेते हैं, ये हमारा ए पॉइंट, और इसको मैं मान लेती हूँ पी। ठीक है, और इसको मैं मान लेती हूँ बी। तो ये तुम्हारा जो हाइपोटेनस क्या, रूट टू। तो अब अगर हम यहाँ पे लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ओ पी इज इक्वल टू रूट टू, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, रूट टू। यही हमें यहाँ पर लोकेट करना था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। इससे पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली है, और रूट थ्री और भी मैं बताऊँगी कैसे लोकेट करना।